वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ इसको कि हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं मान लीजिए ये आपका एक रॉड है ठीक है इसमें चार्ज ये आपका चार्ज रॉड है इसमें चार्जेज है ठीक है मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है Yes, भी हो सकता है बस इतना आपको समझना है कि एक चार्ज चार्ज रॉड है है इसमें प्रेजेंट और इस रॉड का जो लेंथ है ना वो पांच मीटर है और इसमें टोटल चार्ज कुलम्ब प्रेजेंट है ठीक है सो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि प्रत्येक एक मीटर में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा ना वन मीटर लेंथ में हर एक वन मीटर लेंथ में इस रॉड के जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा वही है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी सो so, उसको लेमडा से डिनोट करते हैं सो लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई जो आपका टोटल लेंथ है रॉड का वो ठीक है तो फिफ्टीन बाई फाइव तो आपका थ्री कुलम्ब पर मीटर आ गया और अगर आपको इसका डायमेंशन निकालना है तो अकुलम्ब के लिए आपका आ गया एटी और पर मीटर है तो मीटर के लिए आपका एल आ गया सो so, इसको आप लिख सकते हो एटी एल इनवर्स और आप इसको डिफाइन कैसे करोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल इसकी ऐसा यूनिट की बात रही तो कुलम पर मीटर हो जाएगा बिकॉज चार्ज बाय लेंथ है इसलिए कुलम पर मीटर हो गया और डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट किया ए टी एल इनवर्स हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और मान लो ये आपका कोई सरफेस है सरफेस आपका किसी टाइप का हो सकता था मान लो अगर आप सर्कल लेते तो इस टाइप का भी आपका हो सकता था कोई भी आप सरफेस ले सकते थे ठीक है सो आपने ये वाला सरफेस ले रखा है इसमें आपके चार्जेस गिवेन है ठीक है ये जो सरफेस का एरिया कितना है तो पांच मीटर स्क्वायर है इसमें टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है तो बीस कुलम प्रेजेंट है ठीक है सो सर्फेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली हमें यह कहती है कि वन मीटर स्क्वायर एरिया में हर एक वन मीटर स्क्वायर एरिया मान लो कि आपने यहाँ से इतना को कट किया और इसमें से आपको ये आपका मीटर स्क्वायर एरिया इसमें आपको फाइंड करना है कि कितना इसमें चार्ज प्रेजेंट है दैट इज वॉट योर सर्फेस चार्ज डेंसिटी स्टेट्स कि प्रत्येक एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है वही है आपका सर्फेस चार्ज डेंसिटी सो so, मान लो इस सर इस एरिया में आपका टोटल चार्ज बीस कुलम था एरिया इस पूरा सरफेस का एरिया कितना था तो पाँच मीटर स्क्वायर अब इसमें आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको कि सिग्मा से डिनोट करते हैं वो इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया सो ट्वेंटी कुलम बाई फाइव मीटर स्क्वायर कैंसल आउट करके हमारा फोर कुलम पर मीटर स्क्वायर हो गया सो so, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया सो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए इसकी ऐसा यूनिट कोलम पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन इसकी ए टी बाई एल स्क्वायर तो इसको आप लिख सकते हो ए टी एल इन्वर्स का स्क्वायर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जिसको कि हम लोग रो से डिनोट करते हैं मान लो ये आपका एक क्यूब है ठीक है है क्योंकि हमें वॉल्यूम करना फिफ्टी कुलम तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बेसिकली बताती है कि एक मीटर क्यूब में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है मीन्स हर एक मीटर क्यूब अगर आप यहां से लो ठीक है मान लो अपने यहाँ का एक मीटर क्यूब लिया फिर ये तो हर एक मीटर क्यूब में

तो इसको आप लिख सकते हो ए टी एल टू दावर माइनस थ्री सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए